आगे देखते हैं 12 माह। ताका झांकी खेलता है, ध्वनिया तथा ध्यान केंद्रित करने के हाव भाव दोहराता है, छुपी हुई वस्तु के लिए खोज करता है, लंबे बबलाने वाले वाक्यों का प्रयोग करता है जो अनर्थक है, यानी कि बबलाने में उनके शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, साधारण आदेशों को समझता है, बिनती पर खिलौने देता है, अपने खिलौने ऐसे बच्चे किसी को छूने नहीं देते, लेकिन बहुत बोलने पर, बहुत कहने पर वो देने का प्रयास करता है, ऐच्छिक वस्तु के लिए संकेत देता है, 2 या 3 शब्द कहता है, परिचित शब्दों की नकल भी करने लगता है, नहीं के लिए सिर हिलाना, ये सब छोटे बच्चे समझने लगते हैं। 1 साल के बच्चे में इतनी समझदारी आ जाती है। परिचित पशुओं की आवाज़ की नकल करना पसंद करता है, परिचित में गाय, बिल्ली, कुत्ता, इन सब चीज़ों की आवाज़ की नकल करने की कोशिश करता है। अगर उनसे पूछिए तो वो तुरंत कर बताता भी है। बाय बाय के लिए हाथ हिलाता है। उसके बाद है 13 माह। 13 माह में झगड़े व्यक्तिगत हो जाते हैं। शिशु क्या करते हैं, पहले तो वो अपने खिलौने किसी को नहीं देता, लेकिन अब क्या है, अगर ले लेता है दूसरा बच्चा जबरदस्ती तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अत्यधिक झगड़े खेल सामग्री के लिए ही होते हैं। फिर है 18 माह में, जब शिशु 18 महीने का यानी कि 1.5 साल का हो जाता है, तो लगभग 20 शब्द कह सकता है, जिन वस्तुओं तथा व्यक्तियों को अच्छी तरह जानता है उनके चित्र पहचानता है, शरीर के 3 अंगों का संकेत कर सकता है, जैसे नाक, आंखें, मुंह, ये सब वो पूछने पर बताने की कोशिश करता है, 2 शब्दों को मिलाना प्रारंभ कर देता है। फिर है पूछने पर पहचानी वस्तुओं को लाता है, 5 वस्तुओं के लिए संकेत कर सकता है, शब्दों तथा ध्वनि की अधिक स्पष्टता से नकल करता है, खेल सामग्री से हटकर अपने साथी के प्रति ध्यान भी केंद्रित करने लगता है। अगर कोई दोस्त या मित्र उसके पास आ जाते हैं तो वो अपने खेलों से अपना ध्यान हटाकर बच्चे के साथ खेलने लगता है। फिर है 21 माह का शिशु। 21 माह में शिशु क्या क्या प्रक्रियाएं करते हैं, उनमें सामाजिक विकास कितना होता है, 2 शब्द वाक्यों में बात करता है, उदाहरण के लिए वह पापा, बाबा, इन सब चीजों को बोल सकता है। फिर है 24 माह में 2 शब्द वाक्यों में बात करता है, उदाहरण के लिए पापा काम जाओ, मतलब वो इशारे से बताता है कि पापा काम पे गए या जाइए, मुझे तथा मेरा सर्वनामों का प्रयोग करता है, 2 कदम आदेश का पालन भी करता है, उदाहरण के लिए अपने जूते उठाओ तथा इसे मेरे पास लाओ, इतना बोलने से वो समझता है। इन शब्द ध्वनियों का प्रयोग भी बच्चे करने लगते हैं, जैसे प, ब, म, व, ह, न इत्यादि शब्दों का प्रयोग करता है। 24 माह, 2 साल के बच्चे। फिर है लगभग 300 शब्दों का प्रयोग करता है और उसे उपयोग में लाता भी है, संकेत करके या दूसरी क्रियाओं द्वारा कुछ साधारण प्रश्नों का उत्तर देता है, जैसे कहाँ, क्या, क्यों इत्यादि। बच्चों के अंदर बहुत सारे सवाल आते रहते हैं और पेरेंट्स को चाहिए कि जो भी सवाल है उसे सीधा सीधा समझाकर जवाब देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के सभी प्रश्नों का जवाब देना जरूरी है, ऐसा नहीं कि उसे डांट कर ज़्यादा नहीं बोलो, चुप रहो, अपना काम करो, ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे उस समय बहुत उत्सुक होते हैं किसी भी बातों को जानने के लिए, उन्हें पूरी जानकारी चाहिए, इसलिए उनके मन में कई तरह के तर्क, सवाल इत्यादि उत्पन्न होते रहते हैं। सामाजिक संपर्क का अवसर मिलने पर वह संचार कर सकता है। फिर है 2 वर्ष 3 माह में शिशु क्या क्या कर सकते हैं। बालक में अहम का भाव विकसित हो जाता है, मन में एक अहम की भावना आ जाती है, वह जानता है कि वह कौन है तथा नाम से बुला सकता है, अपने नाम को भी जानता है और दूसरे को भी
जो भी अन्य सदस्य हैं उन्हें भी वह नाम से बुला सकता है। जो वह चाहता है उसके बारे में अधिक सकारात्मक हो जाता है या हो जाएगा। वह न की तुलना में जो देख रेख करने वाला कहता है उसके विरुद्ध अपनी इच्छाएं रखेगा। जो भी बच्चे की देख रेख कर रहे होते हैं, इस स्थिति में बच्चों में ना शब्द की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। किसी चीज़ को ना कहने में वो तुरंत, यानी कि बातों को नहीं मानना, इन चीज़ों की प्रवृत्ति उनमें आ जाती है, या वो जो कह रहे हैं वही सही है इसे समझाने की पूरी कोशिश करता है। 2 वर्ष 6 माह में वह अपना पहला नाम तथा कुल नाम दोनों जान लेता है। वह साधारण घरेलू कार्य करने में आनंद प्राप्त करने लगता है, जैसे मेज लगाना। घर में बहुत सारे काम होते हैं तो घर में देखकर कौन व्यक्ति क्या काम कर रहा है उसके अनुसार उनकी मदद करने के लिए बच्चे तैयार रहते हैं। फिर है 3 वर्ष। 3 वर्ष में शिशु के सामाजिक कौशल उन्नत हो जाते हैं। वह दूसरे बालकों के साथ खेलना पसंद करने लगता है। पहले क्या था कि दूसरे बच्चों के साथ अपनी कोई चीज़ें शेयर नहीं करता था, लेकिन 3 वर्ष में बच्चे अपने खिलौनों के साथ और बच्चों के साथ भी खेलना शुरू कर देते हैं। वह ऊपर नीचे तथा आगे पीछे जैसे शब्द का भली भांति अर्थ समझते हैं। पूर्व जटिल वाक्य बनाने योग्य हो जाता है। बालक विभिन्न भूमिकाएँ कर लेता है। अब क्या है, 2.5 से 3 साल में बच्चे प्ले स्कूल में आजकल जाने भी लगे हैं और वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है और बच्चे प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छे से डांस, गाना, किसी तरह का कंपटीशन, ये सब चीज़, या कुछ बोलना है तो वो बोल भी सकते हैं। जब वाणी से संबंधित, अच्छा इसमें कुछ है, जैसे कुछ सवालों के जवाब भी इसके अंतर्गत आते हैं इस चैप्टर में। जैसे है जम्हाई लेना। जम्हाई क्या होता है? तो विस्फोटक ध्वनि का एक अन्य प्रकार। क्या है, बच्चे बहुत अंगड़ाई लेकर, उसे नींद आ रही होती है तो बार बार जम्हाई लेना, बड़े में भी ये आदतें होती है। फिर है कराहना। कराहना अनियमित श्वसन क्रिया के कारण होता है, जिसके कारण कराह निकल जाती है। कराहना शब्द का, जैसे शरीर में किसी तरह का कष्ट है, दर्द है, तो उसमें कराहने जैसी आवाज़ें आने लगती है। और फिर है बकवाद। कुछ विस्फोटक ध्वनियाँ बालक द्वारा अधिकृत होती है तथा बबलाने या बकवाद करने में विकसित होती है। बकवाद 2-3 माह में प्रारंभ होता है तथा भाषण के उपाय बताता है। क्या है, कुछ विस्फोटक ध्वनियाँ जो है बालक द्वारा अधिकृत होती है और उसी के साथ बच्चे बबलाने, मुख से जब स्वर तंत्र से मांसपेशियाँ टकराती है तो इस तरह का अचानक से आवाज़ निकलता है और यही प्रक्रिया जो है बबलाने के नाम से जानी जाती है। तो आज हम लोगों ने सामाजिक विकास के स्तर को देखा कि विभिन्न आयु में बच्चे किन किन क्रियाओं को कर सकते हैं और फ्रायड के अनुसार इनकी अवस्थाओं को, समाजीकरण के स्तरों को 3 भागों में बांटा गया था। मौखिक अवस्था, जिसमें बच्चे बोलकर रोकर अपने बातों को व्यक्त करते हैं। दूसरा शैशव या शौच अवस्था, जिसमें बच्चों को कुछ ट्रेनिंग दी जाती है शौच से संबंधित या स्वच्छता से संबंधित। और तादात्म्यकरण, जिसमें लिंग से संबंधित बच्चे खुद समझते हैं लड़के और लड़कियों में अंतर, इन सब बातों को बच्चे खुद अच्छे से समझने लगते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे समाजीकरण में सहयोग देने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो समाजीकरण में सहयोग देने वाले कारकों का समाजीकरण में सहयोग देने वाले कारक व उनका योगदान।
बच्चों के समाजीकरण में कौन कौन से कारक हैं जो सहयोगी हैं और उनका क्या योगदान बच्चों के लिए है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है इसमें परिवार। परिवार में ही बालक पहला सामाजिकता का पाठ पढ़ता है, माता पिता का अनुसरण करता है। वह जैसे बड़ों का आदर करते हैं बच्चे वैसे भी सीखते हैं। एक परिवार में क्या है, बच्चे में जो समाजीकरण का पहला पाठ है वो समाज में ही बच्चा सीखता है। और उसका प्रत्युत्तर हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि माँ के मुस्कुराहट का उत्तर वो मुस्कुराकर ही देता है, यहीं से उसकी समाजीकरण की शुरुआत हो जाती है। फिर दादा दादी के स्नेह और भाई बहन का आपस का व्यवहार बालक पर प्रभाव डालता है। भाई बहन एक दूसरे से स्नेह व सहयोग करते हैं तो बालक भी सहयोग की भावना को सीखता है, अपने से बड़ों का कहना मानता है। अर्थात जैसा घर का माहौल, जैसे परिवार के सदस्य अपने लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, बच्चे सेम चीज़ सीखते हैं और फिर उनका भी जो व्यवहार है सही दिशा में जाता है। दूसरा है पास पड़ोस। पहली पाठशाला तो बच्चों के समाजीकरण के घर हो गया, घर परिवार। दूसरा हो गया पास पड़ोस, जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं और घर से जब वो बाहर निकलने लगते हैं तो वहाँ से वो क्या सीखते हैं, 2 साल का बालक अपने आस पड़ोस में जाने लगता है, उनके आपसी व्यवहार को देखता है, वह समझने की कोशिश भी करता है। बच्चे क्या है, बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं लेकिन जहाँ पे भी जो भी बातचीत या प्रक्रियाएं होती है उससे वो बखूबी समझता है। दूसरे बालकों के संपर्क में आता है, जहाँ घर में सभी उसको हर वस्तु पहले दे देते हैं वहीं बाहर उसे सभी बालकों के समान समझा जाता है। क्या है, बच्चा जब छोटा घर में रहता है तो सबसे पहले कोई भी चीज़ है तो बच्चों को दिया जाता है, लेकिन ये सभी घर में नहीं हो सकता। जब बच्चे दूसरे के घर जाते हैं तो उसे धैर्य, उसे अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है ताकि कब उसकी बारी कब आएगी और तब उसे वो चीज़ मिलेगी। तो ऐसे में बच्चे को बहुत धैर्य के साथ रहना पड़ता है, तो ये धैर्य इसे सीखता है बच्चा समाज में। अगर आस पड़ोस में लोग उसे प्यार देते हैं तो वह भी उनके प्रति स्वस्थ सामाजिक मूल्यों का निर्माण भी करता है। फिर है विद्यालय। घर परिवार, आस पड़ोस, उसके बाद बच्चे विद्यालय भी जाने लगते हैं। तो विद्यालय में बच्चे क्या सीखते हैं या विद्यालय का क्या सहयोग रहता है बच्चे के समाजीकरण में, ये देखिए। 3 वर्ष का बालक विद्यालय में जाने लगता है और सामाजिक मूल्यों को तेजी से सीख रहा होता है। विद्यालय में वो शिक्षकों व साथियों के संपर्क में रहता है। क्या है, विद्यालय में एक नया शिक्षक अभिभावक के रूप में उन्हें मिलते हैं और बहुत सारे बच्चे जो उनके दोस्त बन जाते हैं। ऐसे में समूह के साथ बच्चा खेलना सीख जाता है, कक्षा में सामूहिक क्रियाओं में भाग लेता है जिनमें वह सामाजिकता के महत्व को समझने लगता है। गीत संगीत नाटक ये सब बच्चे मिलजुल कर आपस में करते हैं जिससे उनमें सामाजिक गुण विकसित होता है। फिर है तीज त्यौहार व परंपराएं। हम लोग के भारतीय संस्कृति में बहुत सारे पर्व त्यौहार ऐसे हैं जो धार्मिक रीति रिवाजों के साथ जुड़े होने के साथ साथ बच्चों में अच्छे संस्कार भी डालते हैं। तो इसमें क्या है, हर समाज की अपनी अपनी परंपराएं होती है, अपना अपना त्यौहार होता है, उनको मनाने सभी लोग एकत्रित होते हैं। अगर कुछ अच्छा वैसा पर्व है होली, दशहरा या ईद, जिनके जो भी हैं बड़े पर्व हैं, उस त्यौहार हैं, उसमें लोग दूर दूर रहते हुए भी अगर समय मिलता है तो वो अपने घर आते हैं और परिवार के साथ इन सब त्यौहारों को बिताते हैं, जिससे सभी के बच्चे आपस में मेलजोल का भाव सभी बच्चों में आ जाता है। जैसे रक्षाबंधन पर भाई बहन एक दूसरे के घर जाते हैं, दिवाली पर सभी एक दूसरे के घर मिठाई बांटते हैं, ईद पर एक दूसरे से गले मिलते हैं, होली पर एक साथ मिलकर रंग खेलते हैं। ये सब क्या है, विभिन्न संस्कृतियां हैं। हमारा भारत देश जो है अनेकता में एकता का देश है,
तो इसमें बहुत सारे पर्व त्यौहार हैं और सभी मिलजुल कर इसे मनाते हैं। बालक देखता है कि एक दूसरे के बिना तो त्यौहार मनाना संभव ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति अकेले किसी चीज़ को मनाता है तो वो उसकी मजबूरी हो जाती है। एक साथ में पर्व त्यौहार को मनाना बहुत आनंददायक होता है। इसी तरह से सामाजिकता का प्रभाव जो है किसी बालक के जीवन पर उसके सामाजिक विकास का बहुत प्रभाव पड़ता है। जिन बालकों के सामाजिक प्रत्यय समाज के अनुकूल बनते हैं वह बड़े होकर समाज के एक विशिष्ट स्थान समाज में एक विशिष्ट स्थान पाते हैं। समाज के अनुरूप जिस भी बच्चे का व्यवहार अच्छा होता है और सभी नियमों का पालन करते हुए आगे भी उनमें ये सब व्यवहार बना रहता है और वो बहुत अच्छे अच्छे स्थान को प्राप्त करते हैं। वे अपना व अन्य लोगों का जीवन सफल व सुखी बनाने में भी सहयोगी होते हैं। और जो बालक किन्हीं कारणों से अच्छे सामाजिक गुणों व मूल्यों का विकास नहीं कर पाते हैं, इसमें भी बच्चों में कई कैटेगरी बटी हुई है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे श्रेणी में आते हैं, कुछ मध्यम, कुछ समाज से तिरस्कृत भी हो जाते हैं। तो जो समाज द्वारा उसे वैसे बच्चों को अपनाया नहीं जाता है तो विभिन्न समाज के अनुरूप कार्य नहीं कर समाज में तोड़फोड़ हल्ला हंगामा ये सब विध्वंसकारी कार्यों में लग जाते हैं और उनका जीवन जो है वो असंतुष्ट हो जाता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर सामाजिक जीवन में खेलों का क्या महत्व है, ये भी बच्चों के लिए काफ़ी आवश्यक है। खेल में बालक सामाजिकता के कई नियमों से परिचित होता है। वह एक दूसरे से सहयोग करना, साथियों के प्रति वफादारी, समूह में खेलना, नेता बनने के गुणों का विकास, आत्मविश्वास, अनुशासन, सहनशीलता, उत्तरदायित्व आदि गुणों के को भी खेलों द्वारा ही अपनाता है। खेल में बच्चे कई चीज़ों को सीख जाते हैं। खेल की भावना से आपस में स्नेह का भी विकास होता है और इससे बच्चों में क्या है, धनात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। तो आज हम लोगों ने सामाजिक विकास को जाना और सामाजिक विकास में किस तरह से परिवार का, आस पड़ोस का, विद्यालय का कैसे योगदान रहा और बच्चों के जीवन में खेलों का क्या महत्व है, इन सब चीज़ों को जाना। तो एक बार आप लोग भी इसे फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।